लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए गिनती के कुछ ही दिन बचे हैं। राजनीतिक दल एक के बाद एक उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा कर रहे हैं। इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस समेत पार्टियों ने उम्मीदवारों की 6 लिस्ट तक जारी कर दी है। आखिरकार आज 17 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची के साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना सामने आई। इस सूची में पार्टी में विभाजन के बाद उद्धव ठाकरे के साथ रहने वाले मौजूदा सांसद भी चुनाव लड़ेंगे और नए चेहरों को भी मौका दिया जाएगा। लेकिन हम बात करते हैं चुनावी समीकरण की। पार्टी ने ईडी जांच के दौर में फंसे ठाकरे गुट के शीलदार अमोल कीर्तिकर की उम्मीदवारी की भी घोषणा की है। उम्मीदवारी की घोषणा से पहले ही कीर्तिकर को ईडी ने तलब किया। अमोल कीर्तिकर जी जो हमारे पार्टी के उपनेता है और मुंबई वायव्य से नॉर्थ से हमारे पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार हैं, जैसे उनका नाम घोषित हुआ उनको ईडी का समन्स आया। ये दबाव तंत्र है, ये डराने की कोशिश है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। अमोल कीर्तिकर हमारे उम्मीदवार रहेंगे। आम चुनाव में कई रेड हो रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी जेल के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र खाडेकर को बुढ़ाना से टिकट मिला है, संजय देशमुख को वाशिम से, संजय बाघेरी पाटिल को मावल से, चंद्रहार पाटिल को सांगली से, नागेश पाटिल को निकोजी से, चंद्रकांत खेर को औरंगाबाद के संभाजी नगर से, ओमराज को धाराशिव को शिवड़ी से, राजभव वाजे को नासिक से, साथ ही रायगढ़ से गति, रत्नागिरी से विनायक राउत, ठाणे से राजा विचारे, मुंबई पूर्व से संजय दीना पाटिल, दक्षिण मुंबई से अरविंद सावंत, मुंबई उत्तर पश्चिमी से अमोल कीर्तिकर और परभणी सीट से संजय जाधव को चुनावी अखाड़े में उतारा गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोल्हापुर और रामटेक जिस पर कांग्रेस की भी नजर थी, वो सीट्स अब शिवसेना के होते दिख रहे हैं। इसके अलावा इस बात की जोरदार चर्चा शुरू हुई है कि मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन खड़ा करने वाले मनोज जरांगे पाटिल वंचित बहुजन आघाड़ी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने मंगलवार रात को मनोज जरांगे से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद प्रकाश अंबेडकर ने ऐसे कुछ संकेत भी दिए। महाविकास आघाड़ी के एक अन्य सहयोगी दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। एमवीए सहयोगियों के बीच आम सहमति नहीं बनने के बीच एनसीपी नेता शरद पवार ने रविवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से उनके आवास पर मीटिंग की थी। वहीं दूसरी तरफ पार्टी नेता और लोकसभा सांसद राहुल शोवाले ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना एक या दो दिन में अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में दलों का राजनीतिक बदलाव कोई नया नहीं है। ऐसे में उद्धव ठाकरे से अलग हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के बीच दिल्ली में बातचीत हुई है। इससे कई तरह के संकेत सामने आए हैं। राज ठाकरे ने दिल्ली में पहले बीजेपी नेता विनोद तावड़े और फिर गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की। लोकसभा चुनाव के बाद इस साल के अंत में महाराष्ट्र विधानसभा का भी चुनाव होना है। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए शिंदे ने कहा, सीट बंटवारे और गठबंधन से जुड़ा अंतिम फैसला एक या दो दिन में पता चल जाएगा। राज ठाकरे की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में एमएनएस और बीजेपी गठबंधन की रूपरेखा तैयार की गई है। एमएनएस नेता और लोकसभा चुनाव के संभावित उम्मीदवार बाला नंदगांवकर ने दिल्ली में हुई बैठक को सकारात्मक बताया था। दूसरी ओर गतिविधियों को देखते हुए मनोज जरांगे पाटिल ने अपने और प्रकाश अंबेडकर के मुलाकात की चर्चाओं का खंडन किया है। उन्होंने कहा, हमने कोई राजनीतिक चर्चा नहीं की, मैंने समाज से कहा है कि मैं 30 तारीख तक फैसला दे दूंगा, इसलिए आज जो चर्चा हुई है वो मैं 30 तारीख को ही बताऊंगा, जरांगे ने कहा। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए वीबीए के लिए 4 सीटें छोड़ने का एमवीए का प्रस्ताव अभी भी खुला है। उन्होंने कहा कि एमवीए की सहयोगी पार्टियों कांग्रेस राकपा शरद चंद्र पवार और शिवसेना यूबीटी के साथ सीट समझौते पर बातचीत लगभग समाप्त हो चुकी है। राउत ने कहा, बाला साहेब यानी प्रकाश अंबेडकर और वीबीए अभी भी एमवीए के साथ है। ये एमवीए का एक महत्वपूर्ण घटक है, हमने उनसे चर्चा की है।
बाला साहेब भी मौजूद थे। और इन सब के बाद मनोज जरांगे पाटिल भी अगर इस महाविकास अघाड़ी में जुड़ते हैं, वंचित बहुजन अघाड़ी से चुनाव लड़ते हैं, तो देश की राजनीति किस ओर जाती है ये देखना दिलचस्प रहेगा। आप क्या सोचते हैं शीर्ष समीकरण के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। चुनाव से जुड़े सभी जरूरी मुद्दों पर हमारी नजर बनी है। शुक्रिया।